अस्सलामुअलैकुम। अब तक की हेडलाइंस के साथ मैं हूं मोहम्मद अली हैदर। कौमी असेंबली ने इंतखाबात केस में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले को मुस्तरद करने और वज़ीर आज़म समेत काबीना से इस फैसले पर अमल दरामद न करने के मुतालबे की करारदाद मंजूर कर ली। कौमी असेंबली का इजलास स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। बलोचिस्तान में अवामी पार्टी के रहनुमा खालिद मगजी ने सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात केस से मुतालिक फैसले के खिलाफ करारदाद पेश की। अरकान असेंबली ने करारदाद को मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया, ताहम पीटीआई ने करारदाद की मुखालफत कर दी। ये मुखालफत पीटीआई के अरकान असेंबली मोहसिन लगारी और महमूद बाकी मौलवी ने की। इमरान खान की 8 मुकदमात में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए इमरान खान की जमानत में 18 अप्रैल तक तौसी कर दी। पीटीआई चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान 8 केसेस में अबूरी जमानत पर हैं और उन्होंने सिक्योरिटी वापस लेने पर भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रजू कर रखा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की सिक्योरिटी फराहमी के केस में साबिक वज़ीर आज़म की मिलने वाली सिक्योरिटी के रूल्स तलब कर लिए। अदालत ने इस्तफ़सार किया कि दरख्वास्त गुजार साबिक वज़ीर आज़म है, सिक्योरिटी का क्या कानून है। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी से मुतालिक सेक्शन 17 है। अदालत ने पूछा कि क्या इमरान खान को अभी भी सिक्योरिटी फराहम की गई है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जी इमरान खान को एक बुलेट प्रूफ गाड़ी दी है। 18वीं तरमीम के बाद सिक्योरिटी सूबाई मामला है, जिस पर अदालत ने हुक्म दिया कि सिक्योरिटी रूल्स पेश किए जाएं, फिर ऑर्डर मुकद्दर के हैं। पंजाब में आम इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से रुजू करने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन फंड और सिक्योरिटी प्लान के लिए वजारत खजाना और वजारत दाखिला को खतूत लिखे गए। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब के फंड मरहला वार मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सिक्योरिटी प्लान के लिए पंजाब हुकूमत से राबता किया जाएगा, जबकि सेक्रेटरी कमीशन 10 अप्रैल तक सिक्योरिटी प्लान फाइनल करने का कहेंगे। खुदूत में पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुतालिक हिस्से भी शामिल किए जाएंगे। पाकी दारुल हुकूमत में जराइम की तादाद में तश्वीशनाक हद तक इजाफा हो गया। वज़ारत दाखिला ने गुज़िश्ता 2 साल के दौरान होने वाले जराइम के इदाद-ओ-शुमार ऐवान में पेश कर दिए, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता 2 बरस के दौरान इस्लामाबाद में 2412 जराइम रिपोर्ट हुए। पाकी दारुल हुकूमत में 310 कत्ल, 504 इकदाम कत्ल के वाकयात रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद से 1500 अफराद अगवा, डकैती के 103 वाकयात रिपोर्ट हुए। तुर्किया के सदर तैयब अर्दोगान ने कहा है कि मस्जिद अक्सा में इसराइली बर्बरियत पर खामोश नहीं रह सकते। तुर्किया के सदर तैयब अर्दोगान ने मस्जिद अक्सा पर इसराइली हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि मस्जिद अक्सा हमारे लिए सुर्ख लकीर है, मस्जिद अक्सा में इसराइली बर्बरियत पर खामोश नहीं रह सकते। उन्होंने मजीद कहा कि मुसलमानों के क़िबला अव्वल के खिलाफ इसराइली कार्रवाइयों की मजम्मत करते हैं। इसराइली जबर, खून और इश्तियाल अंगेजी की सियासत कर रहा है। कौम मुतहिदा में भी बहुत बैतुल मुकद्दस और गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली कब्जे के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। मुतहिदा अरब अमारात को 2023 के ट्रैवलर्स चॉइस बेस्ट ऑफ द बेस्ट अवार्ड्स में दुनिया का सबसे मकबूल सियाहती मकाम करार दिया गया है। इमाराती शहर को ये टाइटल गुज़िश्ता बरस जमा किए गए जायजों और दर्जाबंदियों की बुनियाद पर मिला। दुबई ने इससे कबल लंदन, माराकीच, बाली और पेरिस जैसे दुनिया के मशहूर और खूबसूरत शहरों पर फतह हासिल की है। दुबई को शहर की शानदार सियाहती सनत और इसकी ज़बरदस्त खिदमात की वजह से ये पहचान मिली, जो कि ये दुनिया भर से आने वाले सयाहों को पेश करता है। क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी 23 बरस के हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर अपनी 23वीं सालगिरह मना रहे हैं। शाहीन अफरीदी ने सुसर और साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी और फैमिली के साथ अपनी सालगिरह मनाई। इस मौके पर शाहीन अफरीदी ने शाहिद अफरीदी के साथ सालगिरह का केक भी काटा और तस्वीर भी बनवाई। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने शाहीन की सालगिरह की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड की और उनके लिए अपना पैगाम जारी करते हुए कहा है कि सालगिरह मुबारक हो, खुश रहो। पाकिस्तान टुडे से अब तक के लिए इतना ही।